बिहार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में नई नियमावली को लेकर बड़ा विरोध किया जा रहा है और अब विरोध में एक और कड़ी जुड़ने जा रही है। बताया जा रहा है कि नई नियमावली के तहत शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में टेक्निकल डिग्रीधारी को बाहर कर दिया गया है। इसका सीधा अर्थ यह है कि BBA, BCA, BTech डिग्रीधारी अब कभी शिक्षक नहीं बन सकेंगे। हालांकि अब नियोजित शिक्षकों के साथ नियमावली का टेक्निकल डिग्रीधारी अभ्यर्थियों ने भी विरोध शुरू कर दिया है। टेक्निकल डिग्री धारकों का कहना है कि पहले की तरह उन्हें भी मौका दिया जाए। सरकार की ओर से नियोजित शिक्षकों को इसे लेकर चेतावनी भी दी गई है। सरकार का आदेश है कि अगर कोई शिक्षक आंदोलन या प्रदर्शन में शामिल होता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, मगर सरकार के आदेश के बाद भी शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में नियोजित शिक्षकों के द्वारा और बृहद स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बता दें कि नई नियमावली से भर्ती होने वाले शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाएगा। नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा प्राप्त करने और वेतन वृद्धि के लिए परीक्षा पास करना होगा। शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं। शिक्षक भर्ती नियमावली 2023 के तहत बहाली के लिए BPSC की ओर से परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इस परीक्षा में हर अभ्यर्थी को शामिल होना जरूरी होगा। बताया जा रहा है कि आयोग की ओर से परीक्षा के साथ इंटरव्यू भी लिया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार परीक्षा का नोटिफिकेशन इसी महीने जारी होने की संभावना है। नोटिफिकेशन जारी हो जाने के बाद कई और चीजें अभ्यर्थियों को क्लियर हो जाएगी। हालांकि इस बीच नियोजित शिक्षकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, ऐसे में प्रक्रिया में थोड़ी देरी हो सकती है। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।